हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सब ने देखा बावड़ा रथ के बाद आज हम दिखाने वाले हैं भगवान श्री जगन्नाथ सोना बेसो का श्रृंगार देखेंगे। इसका मतलब है जो भगवान सोने से पूरे श्रृंगार होते हैं आप उसका देखेंगे। ये देखिए, भगवान के लिए पूजा के लिए दीपक यहाँ पर जलाते हैं, या दीपक स्टैंड है, आपको जरूर दिखाएंगे। प्लीज़ देखते रहिए वीडियो में। और ये देखिए प्रभु जगन्नाथ का सोना बेसो यहाँ पर देख रहे हैं, सोना से श्रृंगार है भगवान जगन्नाथ। और ये माता सुभद्रा को भी सोना से पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं माता को, और उसके बाद मंदिर के प्रस्थान करा देते हैं। और बड़भद्र जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है उसको भी सोना से श्रृंगार करते हैं और मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। और हाथ में शंख और सुंदर चक्र रहता है जगन्नाथ प्रभु का भी, आप देखे होंगे। चलिए आप देखते रहिए वीडियो। मो प्रभु जगन्नाथ सिज कामणकांत जय जगन्नाथ। दोस्तों, आपने प्रभु का रूप देखा और श्री जगन्नाथ जी को सोने के श्रृंगार किया गया है और प्रभु के हाथ में कमल और शंख दिया गया है। आपने देखा महाप्रभु का भव्य रूप, सोने का श्रृंगार, इसे उड़िया में सोना वैसु भी बोलते हैं, जो आज हर श्रद्धालु सोने पहनकर प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और महाप्रभु खुद ही सोने से सजे हुए होते हैं। तो आपने देखा बड़ा ही भव्य रूप। आइए हम चलते हैं, हमारे दोस्त हैं जो साइकिल स्टैंड किए हैं जगन्नाथ मंदिर के सामने। आप जब भी आए जगन्नाथ मंदिर तो यहाँ साइकिल स्टैंड में साइकिल रखिए, कार रखिए। सागर मल्टी जिम की ओर से साइकिल स्टैंड बनाया गया है, बाइक साइकिल कार। आइए मिलते हैं। तो आइए जानते हैं, ये स्टैंड जो है जगन्नाथ मंदिर के सामने काफ़ी समय से लगाया जा रहा है और भक्त श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यहाँ पे बाइक कार साइकिल स्टैंड यहाँ स्टैंड किया जाता है। आइए जानकारी लेते हैं। हेलो, तो आप लोग कितने साल से यहाँ पर साइकिल स्टैंड लगा रहे हैं सागर मल्टी जिम की तरफ से? यहाँ लास्ट 15 साल से स्टैंड लगाया जाता है। उद्देश्य ये है कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, और साइकिल गाड़ी जो रोड पर चल रहे हैं एक जगह पर सीमित करके रखा जाए, जिससे कि जो मेला का जो आनंद है वो सब कोई आराम से उठा पाए, ये उद्देश्य है। और जिससे प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग करता है, और मंदिर कमेटी हमें तो हमेशा ही सहयोग करता है, तो यही उद्देश्य है साइकिल स्टैंड करने का। तो आपने देखा खड़गपुर के प्रशासन भी सागर मल्टी जिम को साइकिल स्टैंड के लिए हेल्प करते हैं, ताकि मंदिर के सामने काफ़ी भीड़ जमा और कुछ घटना ना घटे, इसीलिए मंदिर के सामने ही कार या बाइक को पार्क कर दिया जाता है, स्टैंड कर दिया जाता है। आइए देखते हैं कितनी बड़ी स्टैंड है, बाइक स्टैंड, और इसके आगे कार स्टैंड है। आप लोग कितना साल से लगा रहे हैं यहाँ कार स्टैंड? यहाँ पे तो मैं बचपन से आ रहा हूँ। हम लोग का जो साइकिल स्टैंड लगते हैं हेमोल से, मैं 20 साल से आ रहा हूँ साइकिल स्टैंड में। हमारा जो सागर बॉयज क्लब मल्टी जिम से होता है यहाँ पे हर साल। ठीक है, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ बाइक पार्किंग है, काफ़ी बड़ा। और अब लास्ट डेट हो चुका है तो कुछ कम गाड़ियाँ हैं, वरना यहाँ पे गाड़ी रखने की जगह भी नहीं मिलती है। सागर मल्टी जिम के तरफ से 2 स्टैंड बनाया जाता है, एक स्टैंड ये है और एक रोड के उस पार है, वहाँ भी काफ़ी गाड़ियाँ साइकिल बाइक रखा गया है।
सागर मल्टी जिम के सभी मेंबर्स इसमें सहयोग देते हैं। ये है पिल्लू, सागर मल्टी जिम के पहलवान। और महेश भाई, ये है महेश, सागर मल्टी जिम के पहलवान। ये सबसे बड़ा पहलवान। और ये है सबसे बड़ा पहलवान। इन्हीं के द्वारा यहाँ सागर मल्टी जिम के तरफ से स्टैंड का देखभाल किया जाता है।